पार्टी घर की कंपनी में तो सारे लोग डायरेक्टर्स हैं, उनको कौन हटा सकता? शिवान तिवारी कौन होते ये कहने वाले? लालू जी निष्कासित करके दिखाएं, करें घोषणा करें लालू यादव कि उनको पार्टी से निष्कासित, उनकी पार्टी टूट जाएगी। कि अंदर जो है अभी देखना कि वो अर्जुन जो है, जो अर्जुन के पीछे खड़े रहते थे वो कब तक खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे, तो देखिए अभी आगे क्या क्या होता है, इंतजार कीजिए। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आनन फानन में तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग की है और वो मीटिंग समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद से उन्होंने साफ निर्देश दे दिया है कि विधायक के एसी और बंगले का मोह छोड़ दे। बिहार में जो दो सीटों पर उपचुनाव है उस पर तमाम विधायक जो है वो फोकस करे, और इस बात की पूरी जानकारी दी है भाई वीरेंद्र ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मीटिंग के बारे में, पहले वो सुनिए। और ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार की पार्टी है, तो परिवार के लोग डायरेक्टर होते हैं। घर की पार्टी है, घर की कंपनी में तो सारे लोग डायरेक्टर्स हैं, उनको कौन हटा सकता? शिवान तिवारी कौन होते ये कहने वाले? लालू जी निष्कासित करके दिखलाएं, करें घोषणा करें लालू यादव कि उनको पार्टी से निष्कासित, उनकी पार्टी टूट जाएगी। अब तो प्रचार में स्टार प्रचारक में रहना नहीं रहना कोई महत्वपूर्ण बात थोड़ी है, वो प्रचार में जाने से कोई स्टार प्रचारक ही जाता ऐसा थोड़ी है, कोई जा सकता है, तो वो एक उनका अलग है, उसको क्यों रखा नहीं रखा। लेकिन अगर वो नहीं है तो उनको घोषणा करना चाहिए बाकायदा। उन्होंने कहा कि निष्कासित समझा जाए, अब ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको किसी को पार्टी से निष्कासित करना है तो बाकायदा आप आदेश निकालते हैं कि इनको 3 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। वो करें कि समझा जाए कि वो पार्टी से निष्कासित, ऐसा होता है क्या? चंद्रभूषण जी को निष्कासित किया गया तो बाकायदा निष्कासित किया गया होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि मान लिया जाए कि निष्कासित मान लिया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए वो घर की पार्टी है, परिवार के लोग हैं, और देखिए सत्ता के लिए परिवार में संघर्ष की का इतिहास रहा है। बेटे ने बाप की हत्या कर दी, भाई ने भाई की हत्या कर दी, तो मुगल वंश का सबको इतिहास मालूम है या तो इतिहास के अंदर जो है अभी देखना कि वो अर्जुन जो है, जो अर्जुन के पीछे खड़े रहते थे वो कब तक खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे, तो देखिए अभी आगे क्या क्या होता है, इंतजार कीजिए। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। वो विभक्त नहीं होते तो भी हम लोग चुनाव जीतते, इनके विभक्त होने नहीं होने से चुनाव परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लालू जी बहुत दिन बाद स्टार प्रचारक की सूची में है, लालू जी इस बार बहुत दिन बाद प्रचार करेंगे, क्या आपको लग रहा है लालू जी को नजदीक से डालते हैं? 2010 में भी प्रचार किया था उन्होंने, उसमें तो बहुत स्वस्थ थे, अब तो बीमार हैं थक गए, लेकिन 2010 में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया था और 22 सीट पर सिमट गए थे। तो जो पार्टी बिहार के अंदर 150 सीटें जीतती थी 15 साल जिसने राज किया, वो पार्टी घटकर और 22 सीट पर पहुंच गई थी। और 2015 में अगर नीतीश जी से समझौता नहीं होता तो इतनी सीटें नहीं आती। और इस बार भी चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए के वोट का बंटवारा कर दिया, इधर उनको सीटें आ गई, नहीं तो वो भी सीट नहीं आती। तो ये लोग तो जो कहते हैं कि थके हारे नेता है, जो ट्राइड टेस्टेड हैं, लोगों ने इनको मौका दिया, इन लोगों ने देख लिया इनकी ताकत को इनके दमखम को, तो कभी लालू जी का चेहरा छिपा देते हैं कि लोगों को याद नहीं आए पुरानी बातें। अभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग थी राजद के नेता की, तो कह रहे कि पुरानी बातों को भूल जाइए, तो बेचारे डॉक्टर कैसे भूल जाएंगे, सबसे ज्यादा तो किडनैपिंग डॉक्टर्स की होती थी। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र को, जो कि आरजेडी के विधायक है और साथ में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जो विधायक हैं वो एसी और बंगले से निकलकर आरजेडी के झंडे को लेकर के तारापुर और कुशेश्वर स्थान में गांव-गांव पंचायत-पंचायत घूमेंगे, ताकि जीत जो है वो सुनिश्चित हो सके।
आपको बता दें तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि दो सीटों पर आरजेडी की जो जीत है वो होकर रहेगी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए अपने विधायकों को टास्क दे दिया है कि एसी से निकलिए, बंगले से बाहर निकलिए और पंचायत पंचायत टोला टोला घूमकर आरजेडी के कामों को बताइए, आरजेडी के झंडे को उठाइए और प्रचार कीजिए। अब देखना यह होगा कि आखिर इस तरीके का प्लानिंग तेजस्वी यादव का कितना सफल होता है। आप बने रहे हेडलाइंस पे आपके साथ।